आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार बालों की उत्पत्ति कैसे होती है। मैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, VHCA हेयर क्लिनिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आयुर्वेद सबसे प्राचीन चिकित्सा शास्त्र है। आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष और सप्त धातुओं से सारे शरीर की उत्पत्ति होती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे हमारे बाल कैसे बनते हैं। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो पेट में जाकर धात्वाग्नि के द्वारा सार भाग में और किट भाग में दो भागों में डिवाइड हो जाता है। सार भाग से स्थूल, सूक्ष्म और मल तीन अलग अलग भागों में भोजन बढ़ जाता है और किट भाग से श्वेत, नख, लोम इत्यादि बनते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जब सार भाग अलग अलग अंगों में जाता है तो एक एक करके रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र क्रमशः और उत्तरोत्तर इन धातुओं की पुष्टि होती है और एक एक धातु एक दूसरे से बनती जाती है। सबसे पहले रस धातु, उससे रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा और फिर अंत में शुक्र की उत्पत्ति होती है। और केश को अस्थि का मल या अस्थि की उपधातु भी कहा गया है। यानी जब अस्थि बनती है, अस्थि के किट भाग से केश की उत्पत्ति होती है, इसीलिए बालों को अस्थि का मल कहा जाता है। मित्रों, इस प्रकार उत्तरोत्तर धातुओं की पुष्टि होते होते बालों की भी उत्पत्ति होती है और इस तरह से ये विज्ञान काम करता है। मित्रों, ये एक बहुत ही गहरा विज्ञान है जिसे हम थोड़ा सा ध्यान देकर समझ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस अच्छे लगते होंगे। आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और जिन विषय पर आप चाहते हैं मैं वीडियोज़ बनाऊँ उन्हें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय हिंद।